अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम फेसबुक एड्स कम्पेन मैनेजर की एक गिग बनाएंगे। पिछले लेक्चर में हमने जो अकाउंट न्यू बनाया था उसके अंदर हम फर्स्ट गिग जो क्रिएट करेंगे उसके मुतल्लिक आज की वीडियो लेक्चर में मैं बात करूंगा, और इसके अंदर हमने किस तरह पैकेजेस को सिलेक्ट करना है वो सारी डिटेल में बात करेंगे। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। फेसबुक एड्स कम्पेन मैनेजर की पोस्ट जो कि क्रिएट करनी है उसके अंदर हम सबसे पहले भी फेसबुक एड्स कम्पेन मैनेजर लिखेंगे, उसके बाद कैटेगरी में जाएंगे, उसके उधर जाकर हम डिजिटल मार्केटिंग को सिलेक्ट करेंगे और सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग को सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट हमने फेसबुक को सिलेक्ट किया क्योंकि हमारा जो कम्पेन है वो फेसबुक पर हम चलाना चाह रहे हैं, तो इसलिए हमने फेसबुक को प्लेटफॉर्म जो है सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद हम इधर सेलेक्ट करेंगे इंडस्ट्री, सेलेक्ट करने के बाद हम लैंग्वेज को सेलेक्ट करेंगे, तो इधर हम इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमारे पास टैग सर्च टैग्स का ऑप्शन है, उसके अंदर हम अपनी गिग के रिलेटेड जो भी टैग्स हैं उनको इधर टाइप कर देंगे और उनको सेलेक्ट कर देंगे। इधर हम मैक्सिमम 5 टैग्स जो है वो ऐड कर सकते हैं, तो हम जो भी यूनिक एड्स अपनी गिग के रिलेटेड होंगे वो हम इधर ऐड करते जाएंगे। उनको ऐड करने के बाद हम इधर सेव एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट स्टेप की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमारे पास पैकेजेस का है, तो इधर हम 3 पैकेजेस को ओके कर देंगे। उसके बाद हम अपने बेसिक पैकेज के अंदर फेसबुक एड्स कम्पेन का पैकेज 3 डेज मैनेज एड्स को सिलेक्ट करेंगे, उसके अंदर हम डेज को सिलेक्ट करेंगे 2 डेज को, और उसके बाद हम इधर इसकी प्राइस जो हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक होगी, और ये डिजिटल मार्केटर्स को पता होता है कि उनको एड्स चलाने में पर डे कितनी कॉस्ट आती है और वो किस तरह अपनी ऐड के अंदर मैनेज कर सकते हैं। तो आपको इस सारे पैकेजेस को सेलेक्ट करना है अपनी गिग के रिलेटेड, और सेलेक्ट करने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, और उसके बाद हम डिस्क्रिप्शन को अपनी इधर राइट करेंगे। मेरे पास पहले से राइट है तो मैंने इधर कॉपी पेस्ट कर दिया है। पेस्ट करने के बाद नीचे ऑप्शन है आस्क क्वेश्चन का, तो इधर हम जो भी क्वेश्चंस हैं उनके आंसर और भी खुद ही राइट करेंगे और क्वेश्चन भी खुद से बनाएंगे। तो इधर वो अपने बायर के लिए हम कुछ क्वेश्चंस को इधर मेंशन करेंगे, तो इधर मैंने 2 क्वेश्चंस जो पहले से लिखे हुए हैं उनको मैं इधर मेंशन कर रहा हूँ। तो इधर क्वेश्चन ऐड करने के बाद हम सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, और नेक्स्ट हमारे पास जो है वो बायर से हम किस चीज़ के लिए आस्क करेंगे वो इधर हम राइट करेंगे कि हमें बायर से कौन सी चीज़ चाहिए इस कंपेन को चलाने के लिए, तो इधर हम अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक राइट कर देंगे। उसको राइट करने के बाद नीचे से हम गेट इन फॉर्म ऑफ जो है उधर से एक ऑप्शन क्लिक करेंगे, आप इधर फ्री टेक्स्ट भी कर सकते हैं और अटैचमेंट भी। इसको करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, और हमारे पास नेक्स्ट आएगा गैलरी का ऑप्शन। इसके अंदर हम अपनी फ़ोटोज़ या वीडियो जो भी के रिलेटेड होगी वो इधर लगाएंगे, तो मैं इधर ये 3 पिक्चर्स इंसर्ट कर रहा हूँ। मुझे ये सेकंड वाली पिक्चर फर्स्ट में चाहिए, तो मैं इसको फर्स्ट वाली को डिलीट कर दूँगा और इसको फिर से दोबारा थर्ड पे को कर दूँगा। इसको करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास जो है पब्लिशिंग का ऑप्शन है, इसको हम इधर से पब्लिश कर देंगे। अब हमारी गिग टोटली जो है वो रेडी हो चुकी है और ये पब्लिश हो चुकी है।